अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका तहमीस वर्ल्ड में। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह से। अभी यहाँ पे फजर हुई है, लाइक आधा घंटा हो गया फजर हुए हुए, और बस अभी फजर की नमाज़ पढ़ी है। तो मैंने कहा चले आपके साथ आज जो है एक चीज़ शेयर करूँ, तो रहा नहीं गया, तो मैंने कहा चले कैमरा उठाया और बस आप लोगों के सामने आ। जैसा कि बता रहे थे मैं आपको, जून आ गया है और हल्की हल्की देखिए जून बातें करते करते माशाल्लाह से रोशनी भी होना शुरू हो गई है। तो जैसा कि बता रहे थे आपको, जून आ गया और जून में कितनी स्वेयर गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे वेदर का कोई भरोसा नहीं है। तभी यहाँ पे 3 जो W है ना वो बहुत मशहूर है, वेदर वर्क एंड वुमन के नेम से। तो जो W है ना यहाँ पर बड़ा बदनाम है। इस टाइम फोग ही फोग है, और रात को मैं बाहर गई थी लेट नाइट, ग्रोसरी मुझे कुछ करनी थी घर की, जो अर्जेंट ब्रेकफास्ट की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आप यकीन करें कि सिग्नल की लाइट नहीं नज़र आ रही थी, इतनी धुंध थी। तो अब आप ये देख सकते हैं धुंध का हाल, और ये जून का महीना है और यहाँ पे देख लें कैसे वेदर चेंज होता है। एक्चुअली आज मेरी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट भी है, क्योंकि मेरे दांत में 2 दिन से बहुत पेन है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको जैसे कि तैयबा ने बताया होगा कि आज उसकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की, तो ये दिन जो अब आज का है थोड़ा पेनफुल शायद तैयबा के लिए हो, कि अब डॉक्टर क्या उसको बताता है और क्या बात होती है डॉक्टर से उसकी। तो अब ये बस पहुँचे हैं, तैयबा अंदर चली गई है और मैं इस काके को लेके तो बस अब अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे। और इसके बाद जो है ये अब हम लोग यहाँ पर डॉक्टर के पास पहुँचने के बाद तो अब हम अंदर जा रहे हैं, और तैयबा के एक्सप्रेशन मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी शक्ल जो है वो मुझे इधर से ही नज़र आ रही है। मैंने कहा तुम्हें दिखाना तो है ना लाज़मी। तो अब इसमें ये देखें तैयबा का क्या बनता है आज का दिन। मेरे अगर तुम दंत बड़ी हो गए तो क्या करोगे? नहीं, मुझे इतना पता है कि अल्लाह का शुक्र है दांत का इशू नहीं है, क्योंकि मेरी पेन काफी ठीक हुई है और मुझे गम्स का इशू लग रहा है, गम्स में इंफेक्शन। अच्छा, नहीं, एक चीज जो मैं जानता हूँ वो ये है कि हमारी फैमिली में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके चंद दिन के बाद तैयबा को प्रॉब्लम जरूर होती है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड का काम ही ये कि उन्होंने कहना है जी बीवी बीमार हर बात भी है। अल्लाह माफ करे, मैं तुम्हें तो बताती भी नहीं कि मुझे क्या पेन हो रही है। तैयबा की फूफो को दांत का 2 दिन पहले तकरीबन हफ्ता पहले प्रॉब्लम हुआ है। राइट आफ्टर 1 वीक तैयबा ने, अब जो है वो मैं बाहर था आया हूँ, तो तैयबा ने तूफान उठाया हुआ। तो नेक्स्ट ब्लीड नहीं हुआ मुझे हुरम? बाबा को बताओ, मामा को ब्लीड नहीं हुआ तीस में हुरम? नहीं हुरम। मामा को ब्लीड हुआ था? नहीं नहीं हुआ था। तीस में ब्लीड हुआ था ना? नहीं हुरम, ऐसे नहीं बोलते चूहे। अब तो जी गवाही भी ठुस हो गई है तैयबा की, तो अब तैयबा क्या कहोगी? अच्छा नहीं, मैं मजाक करने आई हूँ, है ना? बस तैयबा ने अब चेक करवाना है, तो देखें डॉक्टर क्या कहते हैं। दुआ करें, अल्लाह कह रहा है कि मजाक सब अपनी जगह पे, लेकिन दांतों की दर्द बहुत बुरी होती है, और इस तकलीफ से हर तरह की परेशानी और बीमारी से अल्लाह ताला सबको बचाए। तो तैयबा के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। और तुम अब अंदर भी दिखाओगे कि तैयबा के दांत को निकाल? तैयबा जो हरकतें करेगी, जो तैयबा करती है डॉक्टर के पास जाके, वो सब दिखाऊंगा मैं। अब मेरा एक्सरे होने लगा है टीथ का, और जब मेरा एक्सरे डन होगा तो फिर पता चलेगा कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। चले जी एक्सरे करवा लें। ओके जी, तैयबा तो अंदर चली गई है और सब मजाक अपनी जगह पे, लेकिन दांतों का दर्द बड़ा पेनफुल होता है और बड़ा मुश्किल जो है वो इसमें बुरा गुजारी थी परसों की। उसके बाद फिर इसको जब टाइम मिला तो 2 दिन उसमें निकल गए, और 3 दिन से काफ़ी तकलीफ में रही है। तो बस आप लोगों से दरख्वास्त है दुआओं की कि अल्लाह ख्याल रखे, और कोई मतलब कोई ऐसी खबर ना हो ज़्यादा कि पता चले दांत ही निकालना पड़ गया। तो क्या मिलेगा आपके? तो ये डॉक्टर के पास सब हम आए। तो ये देखें यहाँ पे सेटअप, हर तरह का कॉफ़ी और उसके अलावा पानी और सब चीज़ें जो है वो अरेंजमेंट उन्होंने करके रखा होता है कि डॉक्टर के साथ जो कोई पेशेंट हो, पेशेंट के साथ जो कोई अटेंडेंट हो या कोई साथ हो, वो एंटरटेन होते रहेंगे यहाँ पे। तो अब देखें तैयबा एक्सरे के लिए अंदर गई है, जो रिजल्ट आता है उसके बाद फिर आपसे शेयर करते हैं। तैयबा का काम डन हो गया है और लंबा चौड़ा खर्चा उन्होंने बना के दे दिया। उन्होंने कहा कि जो आपने 3 साल से काम नहीं करवाया, डीप क्लीनिंग होगी, रूट कनाल होगी और बाकी भी 2-4 ट्रीटमेंट उन्होंने बताए। टोटल
6,500-7,000 डॉलर का खर्चा उन्होंने कैप लगानी है मुझे अब। चलो ना, उससे पहले भी कुछ कर, बड़ा कुछ करना है। चलो अब करवाना तो होगा, आहिस्ता आहिस्ता करवाते। मुझे डर लग रहा है पेन का, डॉक्टर तो कहते हैं पेन नहीं होगी, अभी मुझे हो रही है जो उसने किया है अब सारा। उन्हें बताओ ना कैमरा अंदर लाओ नहीं था, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट करके कैमरा मेरा बंद करवा दिया, और अच्छी बात है लाओ नहीं था, मेरा इतना बड़ा मुँह खुला हुआ था। तो चले जी अब चलते हैं घर, और क्या अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेंगे फ़ोन पे। डीप क्लीनिंग भी होगी, और जो मेरे दांत पे कीड़ा लग गया है वो क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद देखेंगे अगर उन्होंने मेरा वो वेंस को टच कर लिया आफ्टर मतलब कैविटी ने, कैविटी तो नहीं, क्लीनिंग के बाद चलेगा, तो फिर वो लगाएंगे कैप, अदरवाइज़ फिर वो कैप पे रहेंगे। तो प्लीज़ मेरी दुआ करें कैप ना लगाएं, क्योंकि कैप वाला काम बड़ा अजीब है, वो अलग कैप ही लगना ही लगना है। मुझे कुछ खिलाए, मेरे अंदर कोई एनर्जी लेकर आए, तो हसन साहब ने ये देखिए कार वॉश करना शुरू कर दिया। हसन चला तो तुम्हें आती है ना, गाड़ी का सारा काम तुमने खराब किया हुआ है, और जो है गाड़ी यूज ही नहीं करती, जब ये लोग बैठते हैं उसके बाद इतना इसमें जो है वो गंद हो जाता है कि गाड़ी सफाई के बगैर चल नहीं सकती। क्या कह रही हो? उन्हें बड़ी परेशान हुई। अब इन्होंने जो है वो पूरी गाड़ी जो है ना, लाइट इधर कम है, नहीं तो मैं आपको दिखाता ही है, ये सारे घास के वो छोटे छोटे जरे और वो सारा, तो वो अब उसको सफाई करवाना जरूरी है। मेरा दिल कर रहा तुम्हें भी डालू और तुम्हारी भी ऐसे सफाई हो जाए। अभी तो जो डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना, तैयबा को बिल्कुल ये फड़े वाला जो ब्रश था ना, अभी ये रोल हो रहा था, तैयबा को डाल के ब्रो करने की जरूरत है, दांत साफ हो जाए तुम्हारे। तुम्हारी डीप क्लीनिंग की बहुत जरूरत है। मेरी तो बिल्कुल है, लेकिन मैं यहाँ नहीं करवा सकता, पाकिस्तान जाऊंगा तो करवा लूंगा। बॉडी डीप क्लीनिंग $350 सिर्फ उसने डीप क्लीनिंग के लिए मांग ली है। ईद की बात नहीं करी, बात को कहीं और तो लेकिन जहाँ पे कही तुम्हारी बॉडी क्लीनिंग की बहुत जरूरत है। You need body cleaning. उसके लिए किसी छप्पड़ में छलांग मार के धुल जाएगी। क्या कर रहे हो तुम? सफाई पूरा। आप किधर बेटा? जो तुम लोग गंद डालते हो ना, सारा समेटना मुझे पड़ता है। मेरे कैसन क्लीनिंग कर रहे हैं, कभी मेरी गाड़ी के भी ऐसे कर दिया करो। मैं काम खुद करूं। नहीं, मैं तो नहीं ऐसे कर सकती भाई, मुझसे नहीं होती इतनी डीप क्लीनिंग। तुम्हारे बच्चे गन डालते हैं, तुम्हारा फर्ज है, लेकिन तुम्हारा फर्ज है मेरी गाड़ी को साफ करें तो तुम्हारे बच्चे यूज करते हैं। एक दिन भी मैं तो ड्राइविंग सीट पे होती हूँ। एक दिन भी सही कह रहे हो। ये देखिए जी, ये सारे वैक्यूम्स लगे हुए हैं और वो सारी ट्रैश कैंस हैं। चलें जी, हसन अपनी गाड़ी को क्लीन करते हैं, तो फिर इसके बाद हसन ने लेके जाना है उरम को मैकडॉनल्ड्स। कहाँ फंसा दिया इसको? पूरम ने खाना है मोका फ्रैपी एंड फ्राइज। क्या लेना था? तो तुम एंडी ले लो, मैंने तो मना थोड़ी के, मैंने कहा मैंने नहीं पीना। हाँ तो जब तुमने ना कर दी तो फिर मैं ले सकता हूँ। हाँ बेचारे, इतनी मजाल के मैं एंडीज ले लूँ तो मैं, तुम मना करो। तुमने बताया खुद ही कि मैं मोका फ्रैप और फ्राइज वीक में 3-4 बार अकेले खाता हूँ। वो मैं तब करता हूँ जब मैं कहीं मतलब खाते तो हो ना, खाते तो हो ना, तो तब बीवी याद नहीं आती। आती है, बहुत आती है। फिर मैं दो लेता हूँ, बीवी का और एक अपना। हाँ, ये एक्टिंग ना करके दिखाया करो बिला वजह, इतने तुम अच्छे नहीं हो। ये क्या लेकर आए हो? इंटीरियर क्लीनर, उधर देखो पीछे, और ग्लास क्लीनर। और ये फ्री है? फ्री फ्री फ्री। ये जो आपने पे किया है पहले कार वॉश के लिए, ये उसमें इंक्लूड होता है क्लीनिंग टावर और साथ में उसके जो भी सोल्यूशन वगैरह जो भी यूज। ये देखिए, कभी घर के शीशे तो साफ किए नहीं, गाड़ी कैसे कर रहे हैं? ये नहीं करो है हसन, घर के भी ऐसे चमका दिया करो तो क्या है? टाइम नहीं। हाँ टाइम नहीं है, तो हसन अपनी कार को क्लीन कर ही रहे हैं, बाकी यहाँ पे भी सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों को क्लीन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लड़कियाँ भी खुद से अपनी गाड़ी को वॉश करती हैं। ये लड़की नहीं है जो मुझसे करवा रही है। मैं करती हूँ। कर ये देखिए बेचारी कैसे अपनी डीप गाड़ी की डीप क्लीनिंग कर रही है, तो ये देखें
कैसे मतलब लड़कियां यहाँ पे जो लड़के करते हैं वो लड़कियों को भी खुद से करना पड़ता है काम। ये है बाहर की जिंदगी, बाहर की जिंदगी में कोई ये नहीं है आह ऊ आउच, अपने काम आप ही करो है असल। लेकिन हम देसी हैं इसलिए हम अपने काम बीवियों को नहीं करवाते हैं ना। ये देखिए बेचारी मैं आपको दिखा रही हूँ, किसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है मेडिकल मतलब से रिलेटेड, पता नहीं क्या है ये नर्स है ये क्या है, लेकिन मेडिकल फील्ड से ही है। आप देखिए मेडिकल में लाइक हॉस्पिटल में इतनी क्या कहते हैं टफ ड्यूटी करके बंदा आके तो अपनी गाड़ी साफ कर रही है, तो ये होता है यहाँ पर। तो मैं अच्छा, आपको दिखा रहा हूँ। अब ये जहाँ मैंने करवाई है ये देखें, गाड़ी तो मैंने साफ कर ली तो, लेकिन उसमें वही चीज़ है कि उस तरह की सफाई जो मैं मतलब रेगुलर जहाँ से करवाता हूँ ना वो सफाई नहीं यहाँ पे आ सकी। शायद इनका थोड़ा वो तो मेरी गाड़ी लेके जाना ना, चीज़ें सारी सामान वैसा अप टू डेट नहीं था, क्योंकि जहाँ मैं जाता हूँ वो अब यहाँ से दूर है पुराने वाले घर के पास, तो वो खैर क्लीनिंग अच्छी होती है वहाँ पर, शायद उनका प्रेशर और उनकी मशीनें ज़्यादा बेहतर हैं, और प्लस वो मैट वगैरह भी धोने का बंदोबस्त है वहाँ पे। तो चलें भारत जैसा हो गया बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं फ्रेपे तो तुम क्या ले रहे हो हसन? मैं और हुरम फ्रेपे शेयर करेंगे मीडियम। हाँ। तुमने लेनी है साथ? हाँ तुम्हें पता नहीं पीती हूँ मैं, पीती हो फिर बार बार पूछी जा रही हूँ, बिल्कुल पीती हो। अभी तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो में क्या कहा कि तैयबा लाइक नहीं करती, फिर तुम पूछी जा रहे हो पूछी जा रहे हो। कॉफी का मूड था लेकिन नहीं, वो दांतों को से कॉफी भी नहीं पीनी है। हम लोग मैकडॉनल्ड में हैं, मैकडॉनल्ड के एम्प्लॉय का कभी दिल नहीं कर रहा होता काम करने का, यहाँ मैकडॉनल्ड का बड़ा यहाँ के मैकडॉनल्ड के जो एम्प्लॉय है ना वो बहुत बगाते हैं, बहुत काम चोर है इनका, बिल्कुल दिल नहीं होता काम करने का। बहुत ज्यादा जो है वो लेजी है, क्योंकि शायद ये शायद अच्छी पे नहीं देते हैं, और मैकडॉनल्ड में जितने लोगों को आने का शौक है उतना इनकी सर्विस खराब है। मजबूरी में ये लोग काम कर रहे होते हैं कि इनको पैसे चाहिए, अदरवाइज जब मैकडॉनल्ड आए हैं सिवाय दो तीन लोगों के इतना बैड एक्सपीरियंस मैकडॉनल्ड का हुआ है ना, या तो कहते हैं चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मशीन ख़राब हो गई है, मतलब इनके पास हमेशा एक्सक्यूज़ होते हैं। लेकिन वही बात के जी जिनको मैकडॉनल्ड पसंद है, जिनको मैकडॉनल्ड के फ्राइज़ पसंद है, जिनको मैकडॉनल्ड के बर्गर्स पसंद है, जिनको मैकडॉनल्ड की फ्रैपीज़ पसंद है, उन्होंने आना ही आना है। ये देखेंगे जो कह रही थी कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, तुम तो कह रहे थे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, दांत के दर्द में तो मैं खाना छोड़ दूं, तुम खाना खा रही हो, राइस खा रही हूं बुड्ढो बुड्ढो के तरह। किस तरह? चुप करके ना वीडियो बंद करो, फ्रैपी पियो, दांतों की खैर मनाओ, ये सब चीजें छोड़ दो, चाय कॉफी फ्राइज सब छोड़ दो, सिर्फ पानी पिया करो। क्यों अल्लाह रहम करे मेरे दांतों को, क्या उतारने वो अब भाला तो ऐसी होगी जो मैंने देखी है। नहीं जी, जिन्होंने कुछ नहीं खाना था वो मैकडॉनल्ड की जगह आरबीज पे आ गए, और आरबीज पे आके अब जो है ये अलपिनो बाइट्स और लेमनेड ले लिया इन्होंने। गर्मी बहुत है, दांतों का इलाज करा के लगता है भाई नमकियात खत्म हो गई है, चस्का चाहिए मुंह का चस्का, इसलिए फिर मैंने लेमनेड लिया स्ट्रॉबेरी। इन्हें सिर्फ मुंह का चस्का चाहिए और कुछ भी नहीं। सही ठीक है, तो क्या मसला है अगर मैं पी रही हूं? आपने क्या लिया? मेरे तो फ्राइज है फेवरेट, और मेरी मोका फ्रेपे इन्होंने इतनी बेकार बनाई है ना, ये फ्रेपे अभी मैं वापस जा रहा हूँ और ये रिप्लेस करवाऊंगा इनसे, क्योंकि इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, पानी बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बर्फ खा रहा हूँ ये पानी पी रहा हूँ। तो अभी चलते हैं, ये बहुत मजे और फिर इनसे रिप्लेस करवा के, वैसे मैंने ये आधी कर दी है तो उसको दोबारा रिटर्न करवाएंगे और दोबारा लेंगे, और ये देसी का काम है, मीडियम लेके लाज के पैसे पूरे करेंगे। ये बताओ नहीं, लेकिन टेस्ट ही नहीं, ये बताओ टेस्ट के बगैर मजा ही नहीं है कोई। हाँ। इसका कोई लग रहा पानी पी रहा हूँ मैं। ले जी फ्राइज और फ्राइज और फ्रेपे उन्हें वापस दे दिए, क्योंकि फ्राइज भी तैयबा के बकौल फ्रेश नहीं थे, तो लार्ज फ्राइज मीडियम वाले तो मैंने खा लिए, लार्ज फ्राइज और फ्रेपे नहीं बनेगी, और तैयबा के चेहरे पे मुस्कुराहट देखें, किस तरह खाई है यार, तुम्हें खाने भी नहीं आते, मुझे आइडिया नहीं, इतना फिल्ड है, तुम्हें बताया था क्रीम चीज से फिल्ड है वो, यमी है ना, वेरी हॉट, हॉट नहीं है उसने क्रीम, ये लो ना लगा यार ना लगा अंदर उसमें क्रीम, ऊपर से रैंच लगा रही हो।
ले जी ये नई फ्रेपे, नए फ्राइज और पुराने हम, तो फ्री, ये चीजें सीखनी चाहिए हमारे मुल्क में भी कि अगर कोई चीज आपकी गलती से खराब हुई है तो आपको उसको एक्सेप्ट करके उसको रिप्लेस करके उसको आपको एक्सेप्ट करके तो आपको दोबारा से अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बाद वो चीज आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर का राइट है उस चीज को दोबारा से लेना। हमारा एक्सपीरियंस 2-3 दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि हमारे इवन खाने में से बाल निकल आए और उन्होंने रिप्लेस नहीं किया। एक बड़ा ही वेल नोन रेस्टोरेंट, नाम बताओ ना, जिसने बाहर 2 घोड़े खड़े किए हुए हैं, उनके खाने में से बाल निकला, हेयर फ्लाइज है ये, और उसके मैनेजर ने ऐसी लॉजिक दी कि हम तो चकरा गए। उसके बाद हमने कहा तौबा कर लो, दोबारा नहीं आते हम तुम्हारे पास। लेकिन उसका मजाक वो जो जोक था बहुत मजेदार, वो हमारी पूरी फैमिली में वो जो है ना हेयर फ्लाई उसका चल रहा है, हेयर फ्लाई। और उसने ये नहीं एक्सेप्ट किया कि ये कहता है, ये जब हमारा जो क्या कहते हैं उसको वेटर लेके आ रहा था तो ये उसके दौरान में कहीं से जो है वो हेयर फ्लाई करता हुआ जो है इसके अंदर आके गिर गया। तो हमने उसे कहा क्या इसमें हमारा कसूर तो नहीं है कि इसमें हेयर फ्लाई है या इसमें कुछ भी है, जो भी चीज हमें तो नया आपको रिस्क्यू करके देना चाहिए। लेकिन वो घोड़ों वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, और ऑफ कोर्स जब आपके खाने में बाल आ जाए तो खाने को, और हमारा खाने को दिल नहीं किया। 7,000 रुपया 3 बंदों का बिल दिया आज से तकरीबन कोई 4 साल पहले, और दोबारा वहाँ जाने से तौबा की है। बस उसके बाद दोबारा मुझे संभाले ले जी, दंत बना के वापिस आ गई तक। क्या बना तकबा, क्या बना है? डॉक्टर ने कहा है कि वो रूट कैनाल भी होगा और $8,000 का खर्चा डॉक्टर ने बता दिया, तो करना तो पड़ेगा। तो अब देखें उसको फिर किस तरह करते हैं, इंस्टॉलमेंट है या दूसरा और कोई ऑप्शन है। और क्योंकि ये विदाउट इंश्योरेंस है बताओ ना, अब फिर जो है वो क्या करने लगे, अब क्या करना है, खाना बनाना है रात के लिए और क्या करना है, ना बनाओ तो बनाओ फिर चलो। तो एक वो जो काम हुआ है घर में वो बताओ ना, आज क्या हुआ है, जब सुबह उठे हैं तो हुरम की जो गंदगियाँ हैं बंटीज वगैरह वो जो वो काउच के कहीं नीचे रख दी हुई थी, और अब गर्मी आ गई है तो गर्मी की वजह से कहीं उस पर ना वो जो फूड की वो जो अक्सर वेजिटेबल के अंदर होती है ना सुंडियाँ होती हैं, वेजिटेबल के अंदर जो अक्सर वर्म्स होते हैं बैंगन और वो गोभी के अंदर होती हैं, आप यकीन करें मैं एक देख के तो वो फेंक देती थी। तो यहाँ पे जब हसन उठे हैं तो कितनी देर से तुम बताओ पूरा घर जो है वो जगह जगह भरा हुआ था, सारा खाली किया है, और उसके बाद फिर जो है वो ये ब्लोर मारा है सारा उनको एक कॉर्नर पे किया है, और उसके बाद फिर जो है उनको सारा समेटे समेट के फेंके गए, बड़ा बड़ा करके गए हैं। अब आएंगे तो देखेंगे कि अब दोबारा तो नहीं निकला, अब देखे ना वो सारा ये सब इनका कसूर है, ये जगह जगह जो चीजें फेंकती है ना, आप क्या करती हो हर जगह गंद डालती हो ना, उसे वर्म्स आ गए थे। पेंट्री साफ करने लगे हैं सब चीजें, इसमें मैंने काउंटर पे रखी है। हां पेंट्री जरूर देखना कहता है, अगर चल गया सर्च करा ले, पूछ ले वो देखो ये आगे दिखाओ, ये इस तरह की है जी ये वाइट सी, फिर एक और आ गई है ये देखेंगे एक और घूम रही है यहाँ पे। मैंने इनको 2 ऑप्शन दिए हैं, एक तो अरबी गोश्त और दूसरा मिक्स वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल बनाओ, गोश्त नहीं खाना बहुत अरसा हो गया। शुक्र है कुछ तो तुमने अच्छा बोला, क्योंकि मेरा भी बहुत दिल कर रहा है मटर गाजरे इस टाइप की चीजें खाने को। तो बस ये पहले मुझे जब तक ये मेरी हेडेक होती रहेगी, जब तक ये क्लीन नहीं होगा पहले मैं ये क्लीन, चलो जल्दी वाइंड अप करो मुझे सफाई करनी है, उसके बाद मैं लेते चलें ठीक है फिर। अब सफाई करनी है, ये देखें क्या कर रहे हो हसन, क्या कर रहे हो, ये कहीं कोने कुदरे में भी है तो ताकि ये हवा के जोर से जो है ना वो साइड बाहर आ जाए। हाँ बिल्कुल, ये कोशिश कर रहे हैं कि सोफे के नीचे कहीं भी, और मुझे तो घिन आ रही है बड़ी उलझन हो रही है। नहीं शुक्र है अल्लाह का, ये एक आई है यहाँ पर, ये देखो ये डोर के अंदर घुस गई है, बाकी शुक्र है जो बड़ा बड़ा काम था वो हम लोग कर चुके हैं। ले जी मस्कीन शोरों का हाल ये देखें कि इनको कॉल एक आई है, और इन्होंने मुझे कहा है कि मुझे फलानी जगह पे ड्रॉप करना है भाई के साथ, इनका जो है वो मूवी देखने का प्रोग्राम बन गया, और अब ये जो है वो क्या कहते हैं उसको कोई मेरा ख्याल है उसकी सैफ की बेटी का क्या नाम है, सारा अली खान, और उसकी हाँ वो कतरीना के हस्बैंड की जो मूवी कोई आई है, तो ये वो देखने जा रहे हैं। अब मैं तो बताओ बनी हुई थी मासी पूरे, और वो सूनियां साफ किए और
डीप क्लीनिंग की है जो, और आप मेरी हालत देख लें, वेजिटेबल है वो एक बार फिर जो है वो फ्रीजर में चली गई है इंशाल्लाह, ऐसे जो है वापस जो है ना तैरती अंदर चली गई फ्रीजर में। जब आप मूवी देखे तो खाना भी बाहर ही खाएंगे, तो फिर कल इंशाल्लाह। और मुझे लालच ये दिया कि तुम्हें आगे मैं बर्गर बना के दूंगी, इनको मैंने कहा अल्लाह करे मुझे मिल जाए बर्गर, तो नहीं तो तुम मूवी नहीं देखोगे। नहीं मैं मूवी नहीं देख रहा, मुझे अपने काम है, मैं अपने काम करूंगा, ये मूवी देखेंगे सारे, और जो है वो फिर उसके बाद फिर ये आपको आगे की स्टोरी तैयबा खुद दिखाएगी। और आप देखिए दिखाओ, मैंने जिस तरह वो बार बार सुनिया आ रही थी, अब मैं एक एक चीज नहीं दिखा सकता। तैयबा ने बहुत अच्छी क्लीनिंग कर दी है, डीप क्लीनिंग पूरे घर की कर बस दी है। अब ये दुआ करें अगर नहीं है दोबारा, बिल्कुल जैसे डॉक्टर ने तैयबा को कहा ना डीप क्लीनिंग आपके दांतों की होनी है, तैयबा ने वो सारी डीप क्लीनिंग आके यहाँ घर में कर दी। आज इनको डॉक्टर ने कहीं एक वर्ड कह दिया डीप क्लीनिंग, वो इसकी दांतों की कही थी, इन्होंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर दी है जाके। इतनी अच्छी मैं देख लूं। हाँ। तो ऑफ कोर्स जब आपको एक कीड़ा या कुछ इंसेक्ट कुछ भी नजर आ जाए घर में तो टेंशन लाए, वो तो कुछ भी नहीं थे बहुत। इनको डॉक्टर ने ऐसा सिखाया है कि इन्होंने पूरे घर की जाके डीप क्लीनिंग कर दी। अच्छा, जैसे कि आज वीक डे है, मैं यही बात शेयर करना चाह रही थी कि आज वीक डे है और अमेरिका जैसे मुल्क में भी ना सिनेमा भरा हुआ है, खाली पाकिस्तान में लाहौर ये मशहूर नहीं है जो दिन रात उठ के खाना भी खाते हैं और दिन रात सोते ही नहीं है, यहाँ भी यही हाल है ना हसन, किसकी पार्किंग भरी हुई थी। बिल्कुल। तो और... हम तो बस एज अ गेस्ट आए हैं, वो खड़े हैं, चलो चलो तुम चलो। और ये जी जो तैयबा का फेवरेट लोकेशन है, ये तो बंद हो गया है, तैयबा की फेवरेट लोकेशन। ड्रिंक्स और खाने क्या लिया आपने? और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर मूवी के लिए, मूवी स्टार्ट हो गई है। कपिल, ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये कैसा लाख? अरे कुछ फूटोगे मुंह से? ये क्या बोलेंगे जिया जी, इनकी तो चुप्पी ने सब बोल दिया, देखो देखो कपिल जी, मनोज जैसे दोस्त जो पाल रखे इन्होंने, इन्हीं के तवे पे। रिक्लाइनर्स थे तो इतना मजा आया मूवी देखने का, आराम से लेट के, है ना हानिया? मूवी का मजा आया हानिया? ठीक थी मूवी, बस बहुत बहुत अच्छी नहीं थी और बुरी भी नहीं थी, बस गुजारा था, है ना हानिया? ये देखें हानिया और हुरम जो है पिक्चर्स खिंचवा रही हैं, और हुरम जो है, हुरम ये कौन है? पहले हुरम डर गई, ये क्या है मामा? हानिया ये क्या है बताओ? ट्रांसफार्मर ये ट्रांस। चले जी लोग निकल रहे हैं, हम भी निकलते हैं बाहर को, चले जी चलते हैं घर। देखिए उन्होंने बाहर पूरा डिस्को माहौल बनाया हुआ है, डिस्को डिस्को, इतनी प्यारी लग रही है, लाइट्स देख सकते हैं आप। और बाहर पहले जब हम आए थे तो कार्स ही कार्स थी, अब हर जगह खाली खाली नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 12 बज गए हैं रात के, तो बस फिल्म मतलब खबर सारी जो मूवीज़ हैं उनका शूट होता है, तो इसलिए सब भाग रहे हैं जी। तो रास्ते में हम लोग मूवी के बाद चले गए खाना खाने के, बच्चों को जी आपको पता है भूख लग जाती है, तो फिर हम लोगों ने देखा कि लेट नाइट कौन सा रेस्टोरेंट खुला हुआ है, फिर हम लोग वहाँ पे गए, बच्चों ने पिज़्ज़ा पास्ता और विंग्स खाए, तो उसके साथ मैंने भी जो है मतलब ठुंगे मार लिए, तो विंग्स और पास्ता बहुत मज़े का था। तो खैर से अब मैंने कहा चलें लेटने से पहले मैं अल्लाह हाफिज़ कर लूँ, तो बस हम लोग बेड पे ही हैं और हुरम ये देखें, हुरम भी फुल टाइम बुबू पी रही है, बस स्लीपिंग की मूड में है। तो होप करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो मैं छोटी मम्मी नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत बच्ची बोने बुलाती हूँ, बहुत अच्छी दूध की व्यक्तियाँ करती हूँ। चलो चलो आप क्या करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, लाइक बोलो, लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करें एंड लाफी, अल्लाह हाफिज़।